नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना और आपका स्वागत है मेरे चैनल रीनी गोल्ड में। आइए आज बनाते हैं मैसूर पाक। सबसे पहले एक पैन लें और उसमें एक कप बेसन डालें और इसे धीमी आंच पर रोस्ट करना स्टार्ट कर लें। इसे तब तक भूनना है जब तक कि बेसन से खुशबू आने लगे। अब रोस्ट किए हुए बेसन को एक बाउल में छान लें ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे। मैसूर पाक की खासियत होती है कि वह मुंह में रखते ही घुल जाता है। अब इसमें आधा कप घी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक गहरा बर्तन लें और उसमें बटर पेपर लगाएं और ऊपर से घी लगाकर चिकना कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई लें और उसमें एक कप चीनी डाल लें और एक तिहाई कप पानी डाल लें और मीडियम आंच पर एक तार की चाशनी बना लें। थोड़ा सा उबाल आने के बाद चाशनी को चेक कीजिए। जिस तरह मैं चेक कर रही हूँ, जब उंगली और अंगूठे के बीच में तार आने लगे तो समझ लीजिए कि चाशनी तैयार है। बस इसी टाइम जो रोस्टेड बेसन हमने तैयार किया है उसे इसमें ऐड कीजिए और लगातार चलाते रहिए। इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अब इसमें एक तिहाई कप घी और डाल लीजिए और फिर से चलाते रहिए। अब फिर से इसमें एक तिहाई कप घी ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। मैसूर पाक को बनाते समय ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो मैसूर पाक बहुत टाइट बनेगा। बेसन के अंदर जाली बनने से पहले ही इसे दूसरे बर्तन में सेट कर लें। देखिए, बेसन का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है और घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। यह एकदम सही टाइम है कि इसे पहले से चिकने किए हुए बर्तन में निकाल लें और अच्छे से सेट कर लें। अब इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और अपनी मनपसंद शेप में कट कर लीजिए। मैं इसे लंबा लंबा कट कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। स्पेशल थैंक्स फॉर रवि सचदेवा, सुनीता कुमारी एंड रजनी सेन। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग।